हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 का शुभारंभ हमीरपुर डिग्री कॉलेज परिसर में एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीन ने किया। 4 दिवसीय यूथ फेस्टिवल में प्रदेश के 45 कॉलेजों के 500 छात्र भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि रमन कुमार मीणा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का श्री गणेश किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अवसर पर प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों ने पहाड़ी संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियां भी पेश कर समा बांधा। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति को संजोने की जरूरत है और युद्ध उत्सव में भी पौराणिक संस्कृति को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ेगी और टूटी संस्कृति को बचाने में प्रयास किया जाएगा, सफल रहेगा और अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करेगा। इस अवसर पर मैं मेरे विचार में स्पेशली जो यहाँ यूथ है उनसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए जो ये जो यहाँ पर रखा गया है डांस को लेकर एक यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोग्राम, ये शो करता है कि हमारी कल्चरल जो हेरिटेज है वो कितनी रिच है। हिमाचल की संस्कृति वैसे हर एक जिले में आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है और उन सभी को एक मंच पे लेके आना, उन सभी डांसेस को, उस कल्चर को, उस म्यूजिक को, संस्कृति को एक मंच पे लेके आना, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसकी महत्ता समझेंगे। भारत युवाओं का देश है, अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी वर्क फोर्स जो है वो आज भारत के पास में है। इस अवसर पर प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल ने कहा कि 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 500 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी। आवर मेंबर्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, वॉलंटियर्स ऑफ एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स एंड रेंजर्स, सीएससीए एंड जनरल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, the administration of the college in all activities, for example academic, co-curricular, sports, etc. This time PTA has contributed 50% of the expenditure incurred on the dresses or kits of the students participating in different sports and cultural activities. In this 4-day mega event, more than 45 colleges are participating with more than 500 participants. अंत में मैं एक बात ये जरूर यहाँ मंच से कहना चाहूंगा और उसके लिए मैं दुआ भी करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो श्रेष्ठ सिद्ध होंगे वही विजयी होंगे। ये हमारा यहाँ स्टेज एक मूल मंत्र है, जो श्रेष्ठ सिद्ध होंगे वही विजयी होंगे। धन्यवाद। जय।